नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम 5 मिनट में बनने वाली गर्मियों की बहुत ही लाजवाब चटनी लेकर आए हैं। चाहे सैंडविच हो, पकौड़े हो, चाहे आम दाल सब्जी ही क्यों ना हो, ये सबके स्वाद को 2 गुना बढ़ा देगी। इस गर्मी की शानदार चटनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने लेनी है टमाटर। मैंने 5 टमाटर लिए हैं। अगर आप ग्राम के हिसाब से देखें तो ये आधा किलो के करीब टमाटर हैं। पहले तो इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद हम इन सभी टमाटरों की ना पहले कैप हटा देंगे। हमने सभी टमाटरों की तो कैप को हटा दिया है। अब इसके मैं 4 भाग करूंगी एक टमाटर में से और उसको छोटा छोटा काट लूंगी। इसी ढंग से मैं सभी टमाटर को पहले काट कर तैयार कर लूंगी। देखिए, टमाटर को तो हमने काट लिया है, अभी इसको हम साइड में रख देंगे। मैंने ले लिया पुदीना। गर्मी के मौसम में ना पुदीना बहुत अच्छा लगता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और ये मैंने बहुत सारा पुदीना लिया है। ये 2 गड्डी के करीब मैंने पुदीना ले लिया था, क्योंकि इसमें ना धनिया का यूज़ नहीं होता है। पुदीने को हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। पुदीने के फायदे तो बहुत ही होते हैं, आप सबको पता है। पुदीना पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। बस इसकी हम पत्तियां तोड़ेंगे, अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। सारे पुदीने को हमने तोड़कर तैयार कर लिया। आप देख पा रहे होंगे मैंने पत्तियां तोड़ी हैं, अभी इसको साइड में रख देंगे। मैंने ले ली है 5 हरी मिर्ची। मेरे पास थोड़ी मोटी वाली मिर्ची थी, मैंने 5 ली है। आप चाहें तो तीखी वाली भी ले सकती हैं, ये कम तीखी है क्योंकि जो ये चटनी है ना थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है। अब इसको भी हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है मिर्ची को। अब इसकी डंडियों को हमने हटा देना है। इसको भी मैं छोटा छोटा काट कर ही तैयार कर रही हूँ। पहले चाहे आप चक्कू से कर लें, चाहे कैंची से कर लें। देखिए, इसको हमने काट कर तैयार कर लिया है, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। अब मैंने ली थी थोड़ी सी इमली, इसको आधे घंटे के लिए थोड़े से पानी में भिगो दिया था। ये देखिए बहुत अच्छे से फूल गई है, लेकिन ये बीज वाली इमली है ना, इसको हमने हाथों से अच्छे से मसल लेना है। देखिए इस ढंग से, ये हाथों से ही अच्छे से मसली जाएगी, चम्मच से नहीं। लेंगे एक मिक्सी का जार, जिसमें मैं सबसे पहले पुदीने को डालूंगी अच्छे से दबाते हुए। अब इसमें हमने टमाटर को भी डालना है। टमाटर को डालने के बाद मैं इसमें हरी मिर्ची भी डाल दूंगी। अब एक बार इन सब चीजों को पहले हम चला लेंगे, बाकी चीजें हम बाद में डालेंगे। थोड़ा सा ये दब जाए, ये देखिए थोड़ा सा ये हमने इसको चला लिया है। थोड़ा सा सब चीजें जब नीचे हो जाएंगी ना, तो अब इसमें हमने डाल देना है इमली का पल्प। मैं छन्नी में डाल के डाल रही हूँ क्योंकि इसका रेशा और जो बीज है ना उसको हमने हटा देना है। देखिए इमली भी हमने इसमें डाल दी है। अब इसमें थोड़ा सा नमक ना ज़्यादा डलता है, मैं इसमें 2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इन सब चीज़ों को भी चला लें। कि इसको हमने पीस कर तैयार कर लिया है। ये थोड़ी दरदरी पीसती है तभी इसका टेस्ट ज़्यादा आता है। अब इसको मैं एक कटोरे में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इसको हमने कटोरे में निकाल लिया। आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी क्वांटिटी बनी है। अब इसके स्वाद और टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्ची, क्योंकि जो मेरी हरी मिर्ची थी ना वो थोड़ी कम तीखी थी और ये चटपटी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो डाल दें, मिक्स कर दें। अब ये चटनी बनकर तैयार है, जिसे आप फ्रिज में रख कर ना 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जो बताएं कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।